हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमारे सुलेमान जुक्की मशीन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप लोग को इसके पहले एक वीडियो दिया हूँ चिमटा लगाने का, अगर आप लोग देखे नहीं हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको। वीडियो इससे पहले जाएगा वो चला गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, दोस्तों बहुत लोगों का शिकायत होता है कि ये बड़ी इधर ये बड़ी मशीन का जो चाप है, ये बड़ी मशीन का चाप ख़राब होता है, ये टूट जाता है। और ये कैसे जाने, कैसे पता लगाएं कि ये ख़राब हो गया? तो बहुत लोगों का जैसे चाप ख़राब हो जाता है, तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ इसमें भी ख़राब हो जाता है। आप लोग का क्वेश्चन तो आप लोग को जब ख़राब हो जाता है आप लोग सोचते होंगे दुकान से ला के, जैसे दुकान से हम खरीद के ले जा के कैसे लगाएं। तो दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ ये मशीन सब कुछ जैसे ठीक है, अभी देखिए इसका चिमटा लगाया तो दोस्तों, और इसका चाप भी ख़राब है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ ख़राब क्या है, आप लोग को पता चल जाएगा, उसके बाद आगे बताते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में प्यारा कमेंट कर दीजिएगा कैसा हमारा वीडियो लग रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को एक कागज़ पर बताता हूँ, देखिए ये चाप उठाएँ, ये नीचे रखें, ये उठाएँ और उसके बाद रखें। अभी देखिए दोस्तों खींच ही नहीं रहा, देखिए एक पूरा टाका फुल कर देता हूँ तो भी, ये देखिए खींच रहा है बहुत, एकदम बुरा रगड़ दे रहा है, एकदम जैसा खींचना चाहिए एकदम अच्छे से बराबर में लेवल में वैसा नहीं खींच रहा है। तो दोस्तों ये खींच नहीं रहा है, देखिए ये जो इति है इसके बराबर से खींच नहीं रहा है, देखिए ये जो चाप है इधर बराबर से। हाँ तो दोस्तों इसमें एक चीज़ है, आप लोग को दिखा दो, आप लोग को चाप में बराबर खींच नहीं रहा है। आप लोग को मैं अभी मैं चेक किया हूँ इसका, देखा हूँ नीचे से। तो दोस्तों आप लोग को इधर देख लीजिए, मैं इसको चाप खोल लेता हूँ। बहुत लोग जाते हैं दुकान से खरीद के लाते हैं, लगाते हैं, पहचान क्या है चाप का, ख़राब कैसे होता है, क्या चीज़ का जैसे है लग गया तो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए घिस गया है, पहली बात है, देखिए ये देखिए घिस गया है चाप, घिस गया है। दूसरा नंबर ये टूट गया है चाप, नीचे का स्प्रिंग टूट गया है, देखिए ये टूट गया है, ये स्प्रिंग टूट गया, देखिए ये स्प्रिंग टूट गया, इसका ये प्रॉब्लम। और दोस्तों ये जैसे अगर टूट जाता है तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें पिन है तो पिन ठोक के बना देंगे तो भी एक दो दिन चलेगा। तो दोस्तों आप लोग को यही चाप, अगर आप लोग को चलाना है फिर यही चाप चलाना है दोस्तों, इसको रेगमार से आप लोग खक्सी जो बोलते हैं हमारे भाषा में और आप लोग के भी भाषा में बोलते हैं रेगमार, ये रेगमार से ही थोड़ा सा साफ उफ कर देंगे तो हल्का फुल्का तो एक काम चलने को तो चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ ये चलने को तो चल जाएगा, जो इसका ये मूर्छा है जो है लगा है ये छूट जाएगा तो चलेगा। लेकिन दोस्तों चलाने से अच्छा अगर आप जाते हैं मार्केट से ले कर आएँ, और ये चाप का नंबर भी एक चीज़ का और ख्याल रखें, यहाँ पे नंबर होता है चाप का भी, जो चाप होता है टेलर वाला चाप होता है, सब कुछ चाप आप लोग देख के ही लेकर आएँ जो चाप लगा। अगर नहीं मिलता है बाई चांस दोस्तों, देखिए जैसे अभी ये चाप है, ये चाप हमारे पास, जैसे ये चाप अभी ये लगाऊंगा तो दोस्तों देखिए ऊपर इतना ऊपर आ जा रहा है। और दोस्तों अगर ये चाप अब ख़राब है हमको ये नया लगाना है, क्योंकि ये टेलर में चलाएगा और शर्ट भी चलाएगा, शर्ट पैंट तो इसमें नहीं चल पाएगा, क्योंकि शर्ट में जो मूर्छा लगा हुआ रहेगा तो ये ज़्यादा बहुत दिक्कत करेगा, पीछे खींचबे नहीं करेगा, कॉलर में कहीं चलेगा तो घुसघुसा के बैठ जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को सजीला सिस्टम बताता हूँ कि अगर ऐसा होता है आप लोग के मशीन में भी, तो आप लोग दोस्तों इसको नया ही लगा दें, नया इसको लगाएंगे तो दोस्तों देखिए हमारे पास है पी, इधर देखिए ये देख सकते हैं P3500 जो है हमारे पास है चाप, एक जो इसी का टेलरिंग है चाप है। तो दोस्तों मैं आपको ये देखिए ये लगाता हूँ तो बहुत ऊपर चला जा रहा है, अब इसको लगाते हैं आप लोग को लगा के दिखाते हैं। दोस्तों थोड़ा आप लोग को इधर ये दिखाता हूँ, इसका ये जो पेच है इसको खोलेंगे और ऊपर से ये पेच ये हथौड़ी लगाएंगे, ये नीचे करेंगे, चाप हल्का से नीचे और कर देंगे, करने के बाद ये ऊपर ही उठा रहे हैं, नीचे ना जाए नहीं तो आप लोग का बैलेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये टाइट कर दिए, टाइट हो गया, टाइट होने के बाद में अब देखिए ये चाप सीधा नहीं आ रहा, इधर देखिए दोस्तों ये चाप सीधा नहीं आ रहा, इधर देखिए सीधा नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप लोग को बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को आसानी तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये चाप कैसे सीधा सेंटर में लाए, ये सुई देखिए सट रहा है इधर, इस साइड में सुई सट रहा है, चाप में सट रहा है सुई। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत आसान तरीका है, हम लोग तो इधर मारपीट को इधर उधर कर लेंगे हथौड़ी से, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक आसान तरीका है, यहाँ से दोस्तों ये पेच खोल लें, पेच खोल के ये पेच खोल के इसको इधर घुमा लें, ये बहुत आसान तरीका है, एक ये बहुत आसान तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका दोस्तों
अगर आपको दोस्तों इधर करना है या उधर ही करना है तो यहाँ से पेचकस ऐसे अच्छा से जो पेचकस रहे पेचकस से इधर इधर उधर कर लें हल्का हल्का इधर उधर ये हल्का सा कर लीजिए। देखिए आप सीधे में आ गए सेंटर में देख लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा सेंटर में आ गए। तो दोस्तों ये देखिए सेंटर में आ गए यही आपको दोस्तों मैं बताना था। और दोस्तों ये चाप नहीं चल रहा है तो चाप को ये मैं इसको नहीं लगाऊंगा दोस्तों। चाप नया चाप लगाने की प्रक्रिया यही है आप लोग को ये इधर देखना क्या है एक ये सिस्टम देखना है यहाँ से पेच कहाँ से लगता है ये यहीं से ऊपर भी होगा यही पेच खोलने से ऊपर नीचे भी होगा। और दोस्तों यही पेच खोलने से इधर आगे पीछे इधर उधर भी आगे पीछे भी हो सकता है दोस्तों यही पेच खोलने से। और दोस्तों ये टाइट कर दीजिए फुल टाइट करके उसके बाद चलाइए बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आप लोग को यही जानकारी देना था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को किस पर्पज़ पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए और अच्छे से वीडियो बना के दूंगा। कोशिश है दोस्तों अभी देखिए दोस्तों बोल नहीं पाता हूँ कोई कोई चीज़ होता है जैसे बोलने में क्या जैसे थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट है। तो दोस्तों कोशिश करूँगा और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो आता रहेगा दोस्तों।